हालेलुया। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे जितने भी हैं। प्रभु का वचन ये कहता है, दो या तीन मेरे नाम से जहां कहीं भी एकत्रित होता है उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। आमीन, हालेलुया। दो या तीन से ज्यादा हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ, हम विश्वास करेंगे कि आज बाजू में हमारे दूत लोग भी बैठे हैं। आमीन, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। इस संसारी जो बाप को हम मान देते हैं, गौरव देते हैं, उससे भी बढ़कर जो हमारा पिता परमेश्वर है, आइए हम उसको गौरव देंगे। हमारा मान महिमा गौरव सब कुछ देकर हम उसको उसके साथ बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आमीन, हमारे सर को झुकाए, आंखें बंद करेंगे कि परमेश्वर से विनती करेंगे, उसके मान सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मैं हमेशा कहता हूँ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमारे लिए आज दिया गया सहायक है हमारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम प्राप्त करेंगे। आमीन, आइए हम दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारा पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है और इस्राएल का परमेश्वर है आप प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद करते इस वक्त, हम इस सबात दिन में, इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, हम आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र नाम से यहाँ पर आया है, क्योंकि प्रभु आपको वचन कहते हैं परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है, उसको देख भी नहीं सकता है, लेकिन एक लोग पुत्र जो पिता के गोद में इन्हीं उसके जो मन में उसके जो हृदय में था उसने हमें प्रकट किया। इसीलिए प्रभु पुत्र यीशु कहता है परमेश्वर को आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो दिन यही दिन है, क्योंकि ऐसा समय आएगा तुम्हें उस पहाड़ पे उस मंदिर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे वो हमें आपने सिखाया करो। अगर आप हमारे जीवन में अगर नहीं होता कि शायद हम लोग उस पहाड़ पे उस मंदिर पे उस मूर्त को उस प्रतिमा को जो कुछ भी संसार में है उसके पीछे हम होल लेता था, लेकिन आपने हमें बचाया प्रभु। आप आपका आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया और आपके देह के अंदर हमें लेकर आया, और देह में लेकर आने के बाद आपका जो आत्मा में हमें भाग दिया, और आपका आत्मा के द्वारा भले हम अलग अलग जाति में से हो, धर्म में से हो, अमीर हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़ा हो, लेकिन एक ही आत्मा के द्वारा हमें आपने एकत्रित किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। इस वक्त आपसे विनती करता है, आपके कदमों में आपके चरणों में आकर हम प्रार्थना करते हमें सबको क्षमा करो पिता, भूल कर जान अनजान से हमसे कुछ भी आपको जो पसंद नहीं है हमारे जीवन में अगर है उसको माफ करो पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो परमेश्वर के सामने जब तुम आते हो एकदम पवित्र और डर से और एकदम तुम पूरा अपने आप को झुका के और पवित्र से आ जाओ। पिता, हम योग्य नहीं है, लेकिन हमें योग्य आपका आत्मा के द्वारा हमें चलाए चला करो परमेश्वर, क्योंकि हम निर्बल है, सहायता करो जीवित पिता परमेश्वर। अब आपको धन्यवाद करते इस वक्त आने वाले हर एक भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और जितने भी संकट में है, दुख में है, समस्या में है, तकलीफ में है, परेशान में है,
बंधन में है उन सभी के लिए आप मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपको वचन कहता है उस वचन के आधार पर हम उन सभी के लिए प्रार्थना, एक विश्वास में सभी धर्मी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आजादी करो, छुटकारा दे दो पिता, सारे धन्यवाद आप देते हैं। इस वक्त हम लोग कुछ गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना करना चाहता है। हमारे इस बैंड को, हमारे इस स्तुति आराधना को आप स्वीकार करो पिता, और हमें आपका पूरा आत्मा के सामर्थ्य से भर दो पिता, क्योंकि आपको वचन कहता है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा होता है वहां पे आजादी होता है, छुटकारा होता है। प्रभु इस वक्त आपसे वही हम विनती करते हैं, हमें धन दौलत नहीं चाहिए प्रभु, हमारा धन दौलत आप है, क्योंकि आपने कहता है कि जहां पे तेरा धन होगा वहां पे तेरा मन होगा। लेकिन आज अगर हम आपके लिए, आपके राज के लिए कुछ सोचते हैं, तो हमारा धन दौलत आपके स्वर्ग के राज में हमारे लिए आपने रखा है। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस वक्त हर एक भाई बहन को स्पर्श करो, आशीर्वाद करो, सबको स्पर्श करो, गीत के द्वारा पूछे, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य स्पर्श हो जाए। सिर्फ एक केवल ये नहीं मन में सोचे कोई हर एक भाई बहन कि हमें आना है, कोई एक एक इस रीति से नहीं, संप्रदाय के लोग जैसा कहां जाना है बैठना है बस, लेकिन एक उद्देश्य पूर्वक प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं, क्योंकि आपने हमें दिया हुआ एक अवसर है, ये घड़ी है, एक दिन है, ये पवित्र एक अच्छा दिन है, खुशी के दिन है, आनंद के दिन है। इस खुशी के आनंद के सबद दिन में, इस पवित्र दिन में हम आपकी स्तुति और आराधना खुले दिल से करने के लिए प्रभु आप सहायता करो। जो हमें रोकने वाला है, जो दबाने वाला है, जो मन खोल के स्तुति और आराधना करने को जो नहीं हो रहा है, इसी वक्त परमेश्वर मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया, प्रभु हमें स्पर्श करो आपका सामर्थ के द्वारा, हम आपकी स्तुति और आराधना करके हालेलुया उस आनंद को प्राप्त करें। सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते मेरे स्वर्गीय पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हमारा परमेश्वर कितना भला है, आमेन। आइए कुछ इंग्लिश गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, और उसके बाद हम हिंदी गीत के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा करेंगे, क्योंकि योग्य है, आमेन। सॉन्ग नंबर 97, A new commandment I give unto you. To love one another, as I have loved you, that you are Lord and I know.
for the sweetest name of all. Jesus, you are the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You are the sweetest name.
गीत नंबर 44 44 के गीत नंबर
सब लोग मिलकर गाएंगे। गीत गाते हुए आप विश्वास करेंगे वो सेनाओं का यहोवा जो इस्राएलियों के साथ था, आमीन, वो आज भी हमारे साथ है, हालेलुया, हमारे संग संग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नहीं तो नहीं, आमीन, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने the test of time. But I want to tell you, those two,
that came, Joshua and Caleb, they were 100 times or 1,000 times better than those that came out of the children from the bondage. It says, the Bible says, a true worshipper, a true child of God is better than thousands. Amen. Is better than 10,000s. So today, if you have come here to worship God, if we are few in number, but if we believe we are true worshippers of Christ, we believe that we come into the beauty of holiness of Christ, and let's be those true worshippers. Let our voices, let our praises be magnified 1,000 times, 10,000 times, because that is the power that we possess. We are like Joshua and Caleb. Amen. We've got the power of the Spirit. So let us sing, let us bring praises to God, let us magnify the Lord, let us pour out our spirits as so much as God has poured His Spirit in us. Alright? Let's sing song number 45. संकट में कौन है? आमेन। विश्वास कीजिए। यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है। Yeah.
मनाते हैं तो वैलेंटाइन डे का बहुत याद आता है। हर बार ये गीत के ऊपर बहुत ही जाके भी जाते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं तो यही गीत गाता था, यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है। हालेलुया। Let's sing one last song. इस गीत के द्वारा परमेश्वर का आराधना करेंगे। आमीन। उठा दे तेरे नाम आराधना करेंगे, हमारा तन मन धन सब लगा कर, क्योंकि वचन कहता है तेरा परमेश्वर का तेरा पूरा शक्ति से हृदय से सामर्थ से उससे प्यार कर। आमीन। और उसका नाम ऊंचा उठा। आमीन। उठते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घरों पर हम हाथ करते हैं तुझ से
Hear my cry, O Lord. Attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings. For thou, God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Thou wilt prolong the king's life and his years as many generations. He shall abide before God forever. O prepare mercy and truth which may preserve him. So will I sing praises unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Please be seated. I call upon Brother Michael to have a 10 minutes share on this psalm. Hallelujah. First of all, I want to say what psalms are. Psalms are the praises of living God. Basically, it is categorized as praises of perfect praise of living God. In various ways, the people who have written it. Psalms is not only those 140 or 47, whatever it is. There are many more praises of the living God all over the scriptures. Okay? And here the psalmist says, hear my cry and attend unto my prayer. Again, the prayer is the highest degree of praise to the living God. Praise is not a petition. Heal me, give me money, give me job, give me a wife, give me a house. It is not prayer. Prayer is praising the Lord to the perfection of what He is. He is mighty. He is all over. He has to open our understanding to receive Him in our hearts. He has to open our ears so that we can hear Him. Not the person on the mic, but deep in our hearts, we have to hear Him. He has to come and talk to us. That is the beauty of our living God, who is present everywhere. And in the second verse it says, from the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Here, many times it happens to us when we understand a scripture or a verse. I'm pertaining to the scriptures only, I'm talking, not about the worldly part of it. When we have understood something or when we hear some preaching, we get carried away. We come out of our flesh and we become little bigger than what we are. Which is, here the psalmist being humble, he says, lead me to a rock that is higher than I am. Today, our rock is Lord Jesus Christ. Nowhere we can touch what He has done. You know, each time He took a scourge on Him, He rejoiced. He rejoiced that I am setting my child free. I am taking the burden of my child. It was yonder, maybe 2000 years ago, we are here. Maybe hereafter somebody is coming. Anyone who
feels that he is going to hear my voice, I am going to talk to him, and that is where he rejoiced each time when he took a scourge, even unto the death which he freely offered. He called us friends. Friend giving life to the friend, you know. So he has made us brother, friend, and his children, his body. But the question here is, we get carried away very easily, very, very easily, by just, I'll give you some examples. When certain pastor goes onto the YouTube and preaches, I hear it first, maybe a song, maybe some preaching, and I get carried away. And I want that song to be praised, sung by all the people, and I take all the credit. No. What we are singing is for the glory of living God. Give him the preeminence. If that song is to be praised here, sung by him, he will bring everyone together, and he will lead us by his spirit, that the perfection of the praises will be unto him. Okay? And here he says, for thou hast been my shelter, thou hast been a shelter for me, a strong tower from mine enemies. Our enemy is very powerful, we know he has fallen from heaven. Okay, very next to God, he was a glorious cherubim. And we cannot say we are stronger. But any given time, he is very much yes. But we have to hide ourselves in that rock where we can overcome. We cannot fight enemy by ourselves, by no way. But we have been, like I've given a credit card, if I say, if we have been anointed by the Holy Spirit, we have to abide in him who is the giver of the Holy Spirit. And he will lead you above your enemy to crush him, all his thoughts, where we fail, where we falter, where we come down, or humble ourselves before the scriptures. Scriptures, like Psalms, I said, it is the highest praise. But there are some prophecies which are there in the Psalm. Some can be divided in many ways. Somebody will say in 9 different ways. Somebody will say 3 different ways. Somebody may say in 5. I do not know. In my life, I have to do, what is it? Psalm ko kya bolte Hindi mein? Bhajan Sangeeta. Bhajan Sangeeta alag alag tarike se likha hai. Bhajan Sangeeta matlab, bhajan matlab, yahon ka kirtan gana. Okay? Aur wahi bhajan mein prophecies bandha hua hai, aage kya hota hai, kaisa hone wala hai, sab kuch usi mein likha hua hai. Wo khulasa hua hai jabhi Yeshu Masih aaye. Okay? Koi bhi समझ हमको आने में हम लोग हमको चर्बी चढ़ता है, हिंदी में बोलना है तो वैसा. ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए. हमको दीन होना चाहिए और हमको मसीह की ओर देखना है और विधेय होना है. उनके द्वारा हमको सिखाना भी हमारे तरफ. हम माइक में जो आके प्रीच करता है 6 फुट का आदमी, उसको नहीं सुनना है. अंदर खुदा का वचन सुनना है. उसके लिए खुदा ही हमें हमारे आत्मिक कान खोले और हमारा दिल अनुग्रह करने के लिए, हम उनको उनका अभिषेक लेने के लिए तैयार करें. प्रेज लॉर्ड. एंड आई विल अबाइड इन thy tabernacle forever. आई विल ट्रस्ट इन द कवर्ड ऑफ thy विंग्स. कवर्ड मीन्स हाइडिंग प्लेस. इट्स लाइक यू नो, हाइड मी इन thy विंग्स, दैट्स कवर्ड. बट हियर the word tabernacle is always skipped off. We do not know what tabernacle means. Tabernacle is, you can say, temple itself once upon a time, because before the temple was built, they built a temporary tambu, temporary tabernacle, and they moved. But there is a culture in Jews, every year there is a feast of tabernacle, which is somewhere in September, October. There are 3 feasts together, okay? One of them is feast of tabernacle. Before that is atonement, and there's one more, I forgot. Okay, those three feasts come together. In the feast of the tabernacle, they make outside their house small little tent, and they keep the roof with leaves so that the thing is open to portray
that God is our protector and God is going to be on our roof. You know, our roof is going to be God. That's the significance. So the same thing is repeated. Hide me in thy tabernacle or hide me in thy wings. It's the same thing which is repeated. I have come to 5. For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Here, one is vows, and second is his name. Name is not just pronunciation. Name is not language you call the name of the living God. Basically, Hebrew was written in Old Testament is Yehovah. Okay, some people say Yahweh, Yahweh, whatever it is. But even calling that name was, hidden by the Jews when they translated, or today also when they read, if there is Tetragrammaton, Yod-Heh-Vav-Heh, they don't read it, they call it as Adonai, Almighty, or whatever, Lord, or King, Swami, like. Because it is, there are two things in here. A true child of God will call his name. He will not fear that I am not going to blaspheme his name, because he has allowed you to call that name. Okay? Because he has anointed you with his spirit, then you don't fear. Second thing is, they did not want this name to be called by Gentiles so easily. To hide from the Gentiles, each time when they read the scriptures, or they spoke, or they called his presence, or pointed to him, they always said Adonai. To hide from the wicked generation, and also, I'm not worthy to call his name. That's the way it was pronounced. Second thing comes, the vows. And also the last sentence, he says, I will sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. This is a prayer again. Prayer is a petition, that I may perform. What happens here is, say for example, we went for a retreat or we went for a convention. If I got up at say 4:30, 5 o'clock, automatically I was up. I would read some scriptures, meditate, and by 6 o'clock we would have our intercession, prayer there, and then we come to the hall. But I thought to myself, I will do the same thing when I come home. But when I come home, I don't keep my vows. I said I will do it, but I don't keep it. May Lord forgive me. This happens in every aspect of our life. We say something and we fail, because when we come to the world has a different lifestyle altogether. So we falter. But we may acknowledge it, we may not acknowledge it, but may God forgive us and lead us that we may perform what we speak, or we don't say it at all. You won't say it at all, you lead me, Lord. This lifestyle I like, but you lead me that I may be part of it, or that I may practice it. This is a humble prayer. Prayer means it is a petition here. It's not praises. I'll just take one more thing. A sixth verse I'll go to. Thou wilt prolong the king's life, and his years may be many generations. We know generation according to the Bible is 40 years. Okay, normally a king rules about 30 to 40 years. Only Queen Elizabeth is ruling more than 70, 80 years now. I think she, maybe 50 years, I don't know exactly. She is the one who is ruling long time. But if you are abiding in the living God, he will surely bless you. And he will make your life a blessed one. Here, king is the ruler, but our king today lives more than 2000 years in our hearts. Okay? And may his name be blessed forever. Bless each one of you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, brother. Thank you. Brother Sanjay, you want to share? Thank you. Thank you, brother. So we'll go for the offerings. I have posted one song on the Faith Assembly. Uh, few
few of us must be knowing this song. It's the same song which is Psalm 61. Okay? The psalm goes like, hear my cry, O Lord, my God. So it's, hear my cry, O Lord, my God. Listen to my prayer. From the earth's end, I call to you. When my heart is faint, set me high on a rock. You are my refuge, O Lord. Have you heard the song, right, friends? So we sing this song, which is a reflection of our psalm, today's psalm, and we have the offerings collected. Yeah, you can use your mobile. I've sent it on Faith Assembly. Hear my cry, O Lord my God, listen to my prayer. From the earth's end, I call to you, when my heart is fading. Set me high on a rock. I will echo your praises, pay my vows day after day. Hear my cry, O Lord my God, listen to my prayer. From your end, I call. I invite Brother Maxwell to come over and pray for the message and for the offerings. Let us bow our heads. Let's pray. Dhanyavad, 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 Sri Parameshwar. Tamam aashishon ke liye tera dhanyavad deti hu. Kina sabko सुख की रोशनी दिखाए, जिंदों की जमीन पर खाए, तेरा सबसे बड़ा उपकार है पिता। हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। इस समय आते तेरे चरणों में आते पिता, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। जो कुछ भी हम गाते हैं, जो कुछ भी हम दुआएं मांगते हैं पिता, तेरे स्वर्ग राज में कबूल होता है, हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि तू अपने वचन का पक्का है पिता। यस फादर, तूने कहा है कि जानते हो कि मेरे नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में हाजिर होते हैं, और हम कोई पूरा विश्वास को पूरे समय तो यहाँ पर हाजिर है। तेरी पवित्र आत्मा के साथ हम सब बना रहे थे पिता, और इनके जो कुछ हम गाते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं पिता, तेरी स्तुति और तेरी महिमा उससे होती रहे। खास करके हम दुआ करते हैं प्रभु इन दान के लिए जो लोगों ने दिए हैं, अपनी बढ़ती और अपनी घटने के में से जो कुछ दिया है पिता, तेरी स्तुति और महिमा के लिए, तेरा आशीर्वाद उन सब पे बना रहे। प्रभु तू किसी का कर्जदार नहीं रहते हैं पिता, सबको प्रभु दस गुना तो लग जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन तमाम चीज़ों के लिए, उसी प्रकार जिस प्रकार पिता हम दुनियादारी में रहते हैं, उस प्रकार आत्मिकता में आगे बढ़ सकें, इस प्रकार आशीष पिता। हम तमाम लोग यहाँ जमा है पिता, सबको नाम बना आशीषित कर, तेरा आशीष भरा हाथ यहाँ बनाने दी, पवित्र आत्मा की सहाय हम सबको बनाए। जो लोग नहीं आ सकते हैं पिता, नहीं आ सके उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उनके भी साथ हो सारे लोग, तो उसे सबको सही सलामती खुशहाल हो पिता, और होने देखिए जो आशीष हम सबको मिलती है उसे आशीष से वो लोग भी बख्शे जाए पिता। आगे प्रभु तमाम मैसेज को हम तेरे हाथ में छोड़ते हैं, बोलने और सुनने वाले सबको आशीष दे, लेट योर होली स्पिरिट गाइड अस इनटू योर वर्ड्स फॉर योर ग्लोरी एंड आवर सेल्वेशन। इन तमाम चीज़ों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा सारा सारा गौरव तुझे देते हैं, सब कुछ तेरे बेटे हमारे प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
Praise the Lord. It's been a wonderful day. Yes, church? Amen. Amen. Thank you. So, first of all, I'd like to pay our love and tribute to, as we have lost Sister Valentine. And we all know her personally, right? And we pray that when we go into the yonder world, definitely we'll be all meeting. Amen? So it is a mixture of everything, actually. The death is treacherous, death is painful, right? I've heard a lot of times, people try to comfort you, some of them say, oh, we are believers, we don't have to mourn, right? So kya party karne na, mere ke baad? It's not like that. The Bible says you mourn with a hope, right? Yes or no? So there is a little bit of, I think, some confusion or something somewhere, or maybe we are lacking understanding, or I am lacking understanding, or maybe he exactly what is it? Because a soul leaves this world, especially the soul which was a child of God, its absence will always be felt, right? Whether it's a minister, or it's an apostle, or it's a sister, or it's anyone. We will always, today we feel the absence of so many members of us, right? We may say, yes, they were members. Okay, members of faith assembly, yes. Because we were emotionally bonded, we learned from each other, we must have had some issues also, that's okay. Being human is always to have some issues. Lekin, ye hai ki, definitely jab ek mrityu hoti hai, to hume bahut hi dukh hota hai. And therefore the Bible says that we do mourn. We mourn for the loss, but we mourn for the hope. And I have seen, I don't know, but this year has been a list of deaths in my family, in my own circle. The day Valentine auntie had passed away, I had another funeral in Mangalore itself, in Surat. My mom's cousin, youngest cousin, age 42, he has children younger than me. He passed away due to cancer. I was thinking, and I had this burden from 1.5 years, that I will go there. जो वहाँ के कुछ विश्वासी लोग हैं उनको लेके वहाँ, वो तो डेफिनेटली अन्य जाति में है, मैं जाकर वहाँ पे प्रार्थना करूँ या इनको लेके, बट वो कभी हुआ ही नहीं. कोविड था, और फिर जब कोविड खत्म होता है तो काम का प्रेशर आ जाता है, प्रॉब्लम वो होता था. और जब काम का प्रेशर स्लैक होता था, कोविड आता था, तो फिर आने जाने में तकलीफें होती थी. तो ऐसे करते करते 1.5-2 साल हो गया, मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं और वो चल बसा. सेम दिन सुबह को उसका फ्यूनरल था, शाम को सिस्टर वैलेंटाइन का था. Next day, one more, my dad's some cousin died, and lot of, like, you know, pehle bhi, then my mom passed away 2 years, 2 months back. Uske pehle, 3 mahine pehle, uski choti cousin passed away, who was just 54 or something. Uske pehla, last year, within I think 1.5 saal pehle, mera ek cousin jo 22 saal ka tha, wo chal basa, 22 ya 25 saal ka. Ek chota sa accident tha, helmet nahi pehna tha, aur koi traffic nahi, raat ke samay tha, galti se वो जाके ठोक दिया उसने ट्रक को, जो पाक थी, चल बसा. सो इट्स लाइक इट्स बीन अ होल कार्ड्स ऑफ, यू नो, सीरीज ऑफ फ्यूनरल्स. एंड व्हाट आई ऑब्जर्व इज, इट्स नॉट अबाउट द ओल्ड, इट्स नॉट अबाउट द, यू नो, वीक, मतलब इट्स एनीवन, इट इज, इट्स एब्सोल्युटली एनीवन. मतलब जो तंदुरुस्त था, जो नौजवान था, चलो जो जिसकी उम्र होती है वो तो ठीक है, उनका तो समय आता ही है, बट इवन द यंग, द यूथ. So therefore, you know, there are beautiful sayings in the Songs of Solomon. I believe all must have gone through the Songs of Solomon and Proverbs, right? It speaks actually about how we will stay in your youth. It's lovely. Mera topic wo to nahi hai, but my just thought was that I would just remember Sister Valentine auntie, and just as a tribute, I just pray and desire that someday we all shall meet again. So my topic for today is, I have just kept a very small thing. It's not even a message, it's just it's more an exposure on some words, what we understand. Jaise ki chunav, chune hue hum jo bolte, chosen. So I just try to understand this from different preachers, different messages, sabko thoda ikkatha karke main samajhne ki koshish ki.
तो इससे मुझे कुछ छोटी छोटी बातें मुझे समझ में, जो मैंने आपके साथ आज शेयर करूँ। चुना हुआ या चुने हुए, जो हम बोलते हैं चोजन, हम चुने हुए हैं, यस और नो? डिनोमिनेशन लोग चुने हुए हैं या जो लोग डिनोमिनेशन में बैठे, मैं सब कर दूँ, और जो इसके बाहर जो उसकी कलीसिया में, क्या लोग वहाँ पर भी चुने हुए हैं या हो सकते हैं? यस और नो? बी वेरी श्योर फॉर आंसर। फंडामेंटल से तो गलत हो जाएगा। यू थिंक वी हैव लॉट ऑफ डिनोमिनेशन, वी हैव लॉट ऑफ असेंबलीज, इंडिपेंडेंट असेंबलीज, जो हम जानते भी नहीं है, वी डोंट नो आर देयर गॉड्स सीड। सो व्हेन आई से चोजन वन, एम आई राइट टू ऐड इट करस्पॉन्डेड टू गॉड्स सीड एंड चोजन वन इज द सेम? जो भी चुना हुआ है उसमें परमेश्वर का वो बीज है, या जो जिसमें परमेश्वर का बीज है क्या वो चुना हुआ है? ये सब वो Can I interchange these things? Yes or no? Can it be कि जो परमेश्वर का बीज है या जो predestination seed हम बोलते हैं, that person cannot be a chosen one, और जो chosen one है उसमें परमेश्वर का बीज ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, right? So are we right कि बराबर दोनों चीज सही पहिए पे चल रही है गाड़ी हमारी? हाँ, yes. So definitely चुने हुए हम हैं, yes we believe. और आई बिलीव दैट बाकी लोग में भी हैं लोग जो चुने में बैठे हैं, वी डोंट नो, हम जज नहीं कर सकते, राइट? सो आई विल हैव माय वन मेन स्क्रिप्चर फॉर दिस। लेट्स रीड मत्ती का सुसमाचार, इट्स डिस्प्लेड देयर, या सो वी विल रीड एग्जैक्टली मैथ्यू 20, परफेक्ट, Matthew 20, yeah, but I will keep it short because we all know the story, हमको सबने पहले भी पता है कहानी, तो मैं कहाँ पे मुझे स्ट्रेस करना है मैं वही बात शेयर करूँगा। We read from 11 और probably we read from 10, okay? But when the first came, the first labor, जो labor होता है, जो श्रमिक होता है, when they first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the Godman of the house, saying, "These lasts have wrought but one, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day." But he answered one of them and said, "Friend, I do thee no wrong. Did not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee." Can I have a Hindi interpretation? Yeah. 11 से लेके 14. जब मिला तो वे ग्रास स्वामी पर उड़ा के पहने लगे। इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा है एक ही, जितना तुझे दू उतना ही इस पिछले को भी दू। 15 तक, 14 तक। सो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पैराबल में जो बताता है, हमने सभी ये कहानी पता है कि जो श्रमिक आते हैं, कोई श्रमिक सुबह से आता है, वो श्रम करता है, मेहनत करता है, कोई दोपहर को आता है, कोई शाम को आता है, ठीक है? और उसका जो धनी होता है, धनी क्या करता है कि तू भी आ जा, आप भी काम कीजिए, आप भी काम कीजिए, सबको काम करते हैं। आज हम देखते हैं कि जैसे कि मैं कोई कॉलेज में अगर विजिटिंग फैकल्टी हो तो मुझे घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है कि बस आप आइए, 2 घंटा पढ़ाइए, 4 घंटा। अगर सब मैं लेट होता हूँ तो मेरा पंचिंग होता है, तो वहाँ पर दिखाता है कि सब 1 घंटा है, तो मुझे 1 घंटा का पैसा नहीं मिलता है। वे लोग ऐसा नहीं मुझे बोलेंगे कि हाँ ठीक है सर, आपका भी 4 घंटे का पैसा मिलेगा। नहीं नहीं, अगर मैं 3 घंटे के लिए हूँ तो मुझे 3 घंटे का ही पैसा मैं पाऊंगा, ओके? तो ये एक सिस्टम है, राइट?
राइट। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सैलरीड क्लास जो होते हैं, जिसमें जो हम लोग हिंदी में नॉर्मल वर्ड में पगार बोलते हैं, जो पगार में भी होता है, आपको भी ऐसा होता है ना कि अगर आप हाफ डे, आप समझो लंच के बाद जाते हो, तो आपको हाफ डे माफ किया जाता है, राइट। एंड उसको वो लोग कंसिडर करते हैं कि भाई अगर आपका एक या दो या तीन हाफ डे है महीने में, तो शायद एक दिन का पगार काटता है, राइट। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो चीज सही है, आप जितना श्रम करो आपको उतना पैसा मिलना है, लेकिन यहाँ पर ये क्या दर्शाता है, वॉट डज इट शो, ओके, वॉट डज इट शो, बिकॉज देयर आर समवन हु आर, जो लोग श्रम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको भी एक दिनार दिया है, जो लास्ट का एक घंटा भी वो आता है उसको भी एक दिनार दिया जाता है। अब मैं थोड़ा एफिशिएंस 1:4 में मैं जाऊंगा, सबको पता है स्क्रिप्चर, वो क्या बात करते हैं एफिशिएंस 1:4 अबाउट प्रीडेस्टिनेशन। दादा हिंदी में आप पढ़ सकते हो जी, 1:50 वो वहां पे दिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यस, हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और फिफ्थ वन, पांचवा, और अपनी इच्छा के बले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोकलाभ ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने बहुत बार सुना है प्रीडेस्टिनेशन, हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि मतलब प्रीडेस्टिनेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी मैडम, ले पालक। तो हम देखें लेख पालक के बारे में हम बहुत सारे, हमें अभी क्या समझ है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर हम ये सिद्धांत कोई अन्य जाति को बताएगा तो वो क्या सोचेगा, या हम लोग में भी कभी कभी वो समझ आता है कि हाँ अगर मैं प्रीडेस्टिनेटेड हूँ, मतलब मुझे तो सिक्का मिल गया, राइट, मुझे सिक्का मिल गया, तो कहीं ना कहीं मैं कहीं पे भी चलूँ मे बी गॉड विल फॉरगिव मी, बट ऐसा हो सकता है क्या? अभी हमने एक कहानी एक पैराबल में क्या सुना है कि परमेश्वर डीलिंग करता है, वो एक ही सामान डीलिंग करता है, कहीं ना वही समझ में आया ना कि आप कुछ भी आपने मेहनत किया, परमेश्वर है धनी हमारा, राइट। तो जो धनी का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, अगर उसको अगर समझो किसी को, यहाँ पर जो आप बैठे हो, किसी को आपका प्रॉपर्टी मेरे नाम करना है, आप कर सकते हो, गवर्नमेंट मना नहीं कर सकते वो चीज़ को, राइट। आप लिख दे सकते हो कि मैं अपना जो भी है वो आवाज में प्रॉपर्टी आप मेरे नाम पे कर रहे हो, तो उसके लिए कोई उसमें वाद विवाद नहीं है। तो वैसे अगर परमेश्वर हमारा धनी है, राइट, तो वो डिसाइड कर सकता है। तो उसने क्या कहा कि उसने ये हर इंसान को वो एक फ्री गिफ्ट दिया है, वो कुछ है लेकिन वो है एवरलास्टिंग लाइफ, वो जो एक सिक्का दर्शाता है उसमें बहुत कॉमन है, चाहे आप पहला आइए, आप सेकंड आइए, आप लास्ट आइए, आप जब भी आइए, परमेश्वर वो नहीं देखता, क्योंकि हर बंदा जो आता है वो सभी चुने गए हैं, दे आर ऑल चोजन पीपल। एंड हम डेफिनेटली हम ऐसे कभी भी सोचते कि लॉर्ड यू हैव चोजन मी, आप चोजन मी, बट इसमें एक ट्विस्ट है, उसमें थोड़ा सा एक 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 एक, एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि चोजन, तो ये जो शब्द है ना जो अंग्रेजी में है उसका मतलब चुनना, कि तू आ जा, आप नहीं, आप मत जाओ, आप स्वर्ग पे जाओ, आप आइए, आप स्वर्ग पे जाओ, क्योंकि हम लोग के लिए वो जो शब्द है हम उसको वैसे ही तुलना करते हैं उस शब्द को, कि हाँ मैंने इनको चूज किया, इनको चूज नहीं किया, अभी आज मेरे घर में एक बर्थडे पार्टी है तो मैंने ये परिवार को बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इनको बुलाया, इसको नहीं बुलाया, सो मैं चूज कर रहा हूँ। बट परमेश्वर वैसा नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर वैसा होता तो वो एक राइचियस परमेश्वर नहीं होता, राइट, वो एक पार्शियल परमेश्वर होता, बट इट इज नॉट लाइक चोजन, मतलब प्रीडेस्टिनेटेड, परमेश्वर ने देखा है कि आप आओगे कि नहीं, परमेश्वर जानता है, देखा नहीं तो जानता तो बोल सकते हैं कि परमेश्वर ऑलरेडी जानता है कि वक्त के अंत तक क्या ये भाई या बहन यही सिद्धांत में और यही विश्वास में वो स्थिर रहेगा कि नहीं। क्योंकि हम बहुत बात देखते हैं शादी के मामले में, या थोड़ा सा कुछ टिफ हो गया फेलोशिप में, या कुछ हुआ छोटे छोटी बातों के लिए या सिद्धांतों की वजह से कलीसिया टूटती है, बिखरती है, और फाइनली सब लोग, शैतान तो बहुत चालाक है, वो दुर्गा है, वो आंखों को नोच लेता है, दबोच लेता है, और फाइनली हमें हमें उस योंडर वर्ल्ड में जाना पड़ता है, राइट, आमेन। सो द क्वेश्चन इज कि
परमेश्वर इज अ जस्ट गॉड, करेक्ट, हर लेबर को वो वही देता है अगर आप चुने गए हैं तो. बट व्हाट इज दिस, हाउ विल बैलेंस इट, इसको कैसे हम देखते हैं, इन चीजों को कैसे हम ये देखते हैं. वी आर चोजन, एवरीबडी इज चोजन, सो लेट्स नॉट यूज दिस वर्ड वेरी लूज कि खाली हम चोजन है, या उसको एकदम हार्शली भी, खाली हम ही हैं चुनाव में, बाकी कोई भी चुनाव वाले, ऐसा नहीं हो सकता. ओनली गॉड नोज, परमेश्वर है को पता कि बाहर के लोग भी कौन कौन चुनाव हुआ है, वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, क्योंकि वो जो श्रमिक है वो किस टाइम पे आएगा हमें नहीं पता. मैंने ऐसे भी सुना है, कोई भाई बहन ऐसे बोलते हैं क्या, कभी मेरी हमको सुनने मिलता कि अभी तो प्रचार करना पढ़ने का समय चला गया, राइट, वो तो खुद बोलते ना अभी प्रचार करना जरूरत नहीं, या प्रचार करने का समय चला गया, अभी हमको हमारे पे फोकस करना है. ये सच बात है, हमको तो हमारे पे फोकस करना ही है, लेकिन अपने को अगर हम एंड तक अगर हम बोलते नहीं जाते हैं तो ये लास्ट बंदा कैसे आएगा, फिर वो भी क्वेश्चन मारते हैं. ठीक है, तो मैं अभी एक एक लूक 19 देखते हैं. जब वो राजपथ पाकर 1590, जब वो राजपथ पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोक कर दी थी अपने पास बुला आया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया. तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहर कमाई है. उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला. अब 10 नगरों पर अधिकार रखे रख. 18. दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहर कमाई है. उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हकीम हो जा. जी, तो हम ये देखते हैं, ये पैराबल में भी ये बहुत ही फेमस चीज़ है जो समय सभी जानते हैं, ये कहानी है. तो इस कहानी में हम देखते हैं कि ये क्या देता है, ब्रदर क्या देता है, वो पाउंड देता है, कैसे लिखा है, पाउंड, मोहर देता है, राइट. तो मोहर तो हम सब जानते हैं कि मोहर क्या दर्शाता है, अपनी जो कॉलिंग है, जो टैलेंट्स है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते. परमेश्वर ने आज सपोज एक भाई को म्यूजिक का टैलेंट दिया है, आज वो प्रभु की महिमा के लिए यूज़ कर रहा है. एक भाई को एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया है, वो प्रभु की महिमा के लिए यूज़ कर रहा है. तो हम ये कभी ना सोचे, और ज़रूरी नहीं कि हमें ऐसे कुछ दिखा के करना है. हम हमारे पास और सारे, जैसे कि सिस्टर क्लेरा थी, वो बाहर प्रचार करने में बहुत एक्सपर्ट थी, तो उनका वो टैलेंट था, उसने यूज़ किया है. शायद हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो प्रभु की महिमा के लिए होती है, ये चीज़ याद रखिए. तो जो विश्वासी है, जो प्रभु की महिमा के लिए करता है, उसे और दिया जाएगा. और याद रखिए, हम कितने भी हम अपने आप को चुनावी समझते, लेकिन अगर हम इसका मोहर का यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक थोड़ा सा दुख की बात होगी, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे से जो है वो भी निकला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे से एक्सपेक्ट करता है. वो सोचता है कि मैंने आपको कुछ दिया है, राइट, तो आप यूज कीजिए. परमेश्वर का आना आगमन बहुत निकट है, और हम देखते हैं कि पता नहीं 10 साल या पता नहीं जो वातावरण चल रहा है, बहुत ही ऐसे हमको समझ में आता है कि जो इतने सालों से जो नबी ने प्रचार किया है, जो अन्य हमारे जो प्रॉफिट्स हैं और अपोस्टल्स हैं और जो मिनिस्ट्री के लोगों ने प्रचार किया, आज वो है नहीं है मुझे नहीं पता, बट उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो सभी चीज़ अभी हमें पार्ट बाई पार्ट देखने मिल रहा है. अगर हमारे पास आके है, हमारे पास समय है, तो हमें टाइम निकाल के सोचना है, समझना, देखना है, और इसका हमारे वो इम्पोर्टेंस, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझ में आएगा. तो ये हम ये दो चीज़ दो तीन चीज़ बातें हम देखते हैं कि कैसे कैसे चूजन लोग होते हैं. एक तो ये होता है कि वो जो 100% चूजन है, 100% मतलब चूजन 100% ही होता है, जो वक्त कभी भी आ सकते हैं. आज हम 50 है या 40 है, कल शायद 10 भी हो सकते हैं, फिर 2 भी हो सकता है, फिर वापस 10 हो सकता है, फिर वापस 50 हो सकता है, और 1,000 भी हो सकता है. आमीन. वी डोंट नो दैट द नंबर्स, वी डोंट नो, वी डोंट बिलीव इन नंबर्स, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज एज टाइम कम्स डेफिनेटली, जैसे हम देख रहे हैं कि WCC एक अम्ब्रेला के अंदर आ गया है, वैसे प्रभु की कलीसिया भी एकजुट होने वाली है. Amen.
राइट, यू कैन नॉट कीप योर डिफरेंसेस, आप आपके छोटे मोटे चीजों पर वो रख के हमें आपको एकजुटना पड़ेगा ही, इट इज अ मस्ट, एंड मे बी दैट गॉड विल वर्क, डेफिनेटली परमेश्वर ही ये काम करेगा. बहुतों को लगता है रैप्चर समाप्त है विश्वासियों के लिए, ये सच बात है कि गलत बात है? क्या क्या है रैप्चर? क्या रैप्चर का अंत में ही चुनावी लोग हैं, उसके बाद क्या? हम कुवारियों की पढ़ लेते हैं, लूक 19 10 लोग कुवारियों का, खाली 15 to 19 पढ़ेंगे. सॉरी, इट्स मैथ्यू 25. परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए बुरा ना हो, भला हो. भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो. जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो बुला आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और दूर द्वार बंद किया गया. तो हम इसमें क्या देखते हैं, हमें सबको कहानी पता है, 10 कुमारियों का, 5 मूर्खों की और 5 का दिए ब्रदर मोशिया या चतुर या व्हाटएवर, व्हाट इज इट कॉल्ड, बुद्धिमान, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख. अभी इसमें कौन चुनाव चुने गए? बुद्धिमान की मूर्ख. दसों के दसों चुने हुए. अंडरस्टैंड दैट. मेरा बोलने का तात्पर्य एक ही है, जो हम सोचते हैं हम चुने हुए हैं, चुने हुए का अर्थ थोड़ा सा बड़ा है. उसमें मूर्ख कुवारिया भी आते हैं, उसमें बुद्धिमान भी आते हैं, उसमें यहूदी घराने के भी लोग भी आते हैं. याद रखना, ये बहुत एक मिस इंटरप्रिटेशन है. यहूदियों का भी घराने के लोग आते हैं. अभी मैं ये नहीं बोलता कि जितने भी यहूदी पढ़े इसराइल में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जकरिया जैसा बैठा था कि भाई इसराइल कब होगा, कब उसका फॉर्मेशन होगा, वो यहूदियों की बात, वो भी चुनावी लोग हैं. जो 1,44,000 बैठे हैं रेवोल्यूशन में, वो भी चुने हुए लोग हैं, राइट? ये बहुत हमारे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इश्यू है. हमको क्या लगता है कि चुनाव मतलब हम मतलब जो हमारे नहीं, चुनाव बहुत बड़ा शब्द है. उस छतरी में बहुत लोग आते हैं, जो सुबह से काम करता है वो भी आता है, जो दोपहर में काम करता है वो भी आता है. मैंने बहुत बार सुना है कि जो एक्सट्रीम, जो हम ब्रेनामिज्म के बारे में बात करते हैं, अरे वो लोग भी आते चुने हुए में, बट उनका क्या पोजीशन हमें नहीं पता है. हमारा क्या पोजीशन है हमें समझना है. मैं ये नहीं बोलता हमको नहीं पता है, बट हमें समझना है कि हम हमारा पोजीशन समझ सकते हैं, कितनी कलीसिया है, मैसेज क्या है, इसके उसके, ये सब चुने हुए में आते हैं. चुनाव ये सब हम चुने हुए हैं, लेकिन हमारा पोजीशन हमें समझना है कि हम कौन से घड़ी में हम अंदर आते हैं, और अगर हम उस घड़ी को मिस करते हैं. अब ये दोनों जो कहानी है, एक तो वेच देना वो तो सबके लिए है, दूसरी जो कहानी थी डबल करना ट्रिपल करना, उसके बाद क्या होता है, उसको तो काल कोपरी में लास्ट वाले को बेचता है, राइट? काल कोपरी में क्या होता है, नैशिंग ऑफ टीथ. वो कौन है, वो भी चुना हुआ है. हु इज दैट पर्सन जो लास्ट में तौबा तौबा करता है, यार मैंने क्यों विश्वास नहीं किया, इट्स दोस पीपल. आप समझ रहे हो, द नैशिंग ऑफ टीथ सिग्निफाइड, उसको नर्क में नहीं परमेश्वर बेचता है, ही डजंट सेंड हिम टू हेल. उसको कहां बेचता है, वो एक काल कोपरी में. व्हाई? रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग कि भाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट, आपने टाइम पे नहीं अपने आप को वो लेवल तक लेके आया, एंड देयरफॉर देयर इज अ नैशिंग ऑफ टीथ ओवर देयर, राइट? जिसने कुछ किया ही नहीं, वो ऐसे ही बैठ गया, उसको क्या लगा, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, ना मैं प्रचार करूंगा, ना मैं ये करूंगा, मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा, मैं जाऊंगा, थैंक यू लॉर्ड.
नहीं, परमेश्वर का अपना सिस्टम है, उसका एक प्रिंसिपल है, उनकी सिद्धांत है, और वो अपने सिद्धांत के हिसाब से ही वो चलता है, इसलिए उसने अपने पुत्रों को भेजा था एटोनमेंट के लिए। ये तो क्या जरूरत थी, ही लिव्स विद अ डिसिप्लिन, राइट? गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। सो अंडरस्टैंड कि चुनाव क्या होता है। मैं चुनाव, हम हमेशा सोचते हैं चुनाव मतलब हम चुने हुए, नहीं, चुनाव बहुत बड़ा रेल में। लेट्स फोकस ऑन टू थ्री मोर थिंग्स। ओके, मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट आई कैन टेक योर हेल्प फॉर दैट। मैथ्यू 22:9-14 देखते हैं। गवर्नमेंट, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के बोझ में बुला लाओ। और आगे बोलो क्या? यस यस, 9-14 देखो। उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वह एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे पहना था। तो उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तो उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डालो, वो रोना और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। रोना और दांत पीसना। ओके, तो हम देखें, उसको न्योता दिया गया था शादी में आने के लिए, लेकिन वो आया तो सही ब्रदर, शादी में वो आया था, शादी में, राइट? वो ऐसा नहीं कि उसको पता था उसको शादी में जाना था, ही वॉज अवेयर ऑफ इट, एंड दो ही वॉज अवेयर ही केम, वो पहुंचा रिसेप्शन में, वो बैठा भी था, लेकिन शायद उसका एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम था। आज अगर मेरा 12th स्टैंडर्ड में PCM में इतना मार्क्स नहीं आएगा, इतना परसेंटेज में नहीं आएगा, एक दो मार्क के लिए, आई कैन मिस माय एडमिशन फॉर सम गुड रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट? बट आई कैन ट्राई ना, एंड आई नो आई हैव टू टेक एन एडमिशन इन द कॉलेज। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, ये बंदा जो था वो अन्य जाति का नहीं था, दिस पर्सन वॉज समबडी हु हर्ड, हु वेटेड, हु प्रेड, हु डिवोटेड हिज लाइफ, बट ही हैज मिस्ड समथिंग आउट ऑफ इट। इतने के लिए छुप गया, वस्त्र नहीं पहना शादी का। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो सिंपल हूँ, शादी के रिसेप्शन में अगर कोई बाजार में मार्केट में सब्जी खरीदने का कपड़ा पहनेगा, आप उसको क्या समझोगे बताओ? ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है शादियों में भी बाजार जो जाते हैं ना बाजार के लिए, वो कपड़े पहन के आते हैं। कपड़ों में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि भाई ये चर्च के लिए, ये ब्रदर ने भी एक बार बताया था कि फेलोशिप के लिए एक कपड़ा फिक्स रखो, जो मैं मानता हूँ बात सही है, मैंने बोला एक ही कपड़ा रखो, बट एक दो तीन कलेक्शन होना चाहिए, राइट? क्योंकि वो आपका सिंप्लिसिटी रखता है। लेकिन शादी के लिए डेफिनेटली अभी हम ये कपड़े तो शादी में तो नहीं पहन सकते, और फ्यूनरल हो तो फिर अलग बात हो जाती है। सो वी, जब परमेश्वर ने हमें इतना जानकारी दी है, सो दिस गाय जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हमें ही दर्शाता है कि वो आता है चर्च में, आता है सब कुछ करता है, बट ही मिसेस समथिंग। और उसको क्या बोलते, उसको कार कोटरी में, इट्स कार कोटरी, इसमें कार कोटरी में दांत पीसता रहेगा। व्हाई? बिकॉज ही कुडंट लिफ्ट दैट, मे बी लिफ्ट दैट स्ट्रेचर, या फिर वो अपने आप को उतना ऊपर नहीं ले पाया। बट दैट डजंट मीन अगेन ही इज नॉट चोजन। अगर वो चुनावी नहीं था तो उसको बुलाया नहीं जाता था शादी में। आप डू यू एक्सेप्ट और नो? डू यू एग्री? इट डजंट स्पीक अबाउट समबडी एल्स, इट डजंट स्पीक अबाउट अंधे लोगों के बारे में, इट स्पीक्स अबाउट समबडी जिसको न्योता आमंत्रण दिया गया था और वो आया भी था। सो बीवेयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर इन द बोट और वी आर आउटसाइड द बोट, वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड। बट ऐसा ना हो कि हम सब कुछ करने के बाद भी हम रैप्चर छूटेगा। बट इवन इफ वी मिस द रैप्चर और इवन इफ अदर्स मिस द रैप्चर, इसका अर्थ ये नहीं कि वो लोग को इटर्नल लाइफ नहीं मिलेगा। जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं,
उनका एक रोल अलग होगा। अभी क्विकली टाइम तो हो गया है, रेवलेशन देखते हैं। रेवलेशन में नाउ लेट मी फॉर स्क्रिप्चर्स, एक 144,000 के बारे में एक देखना है मुझे, एक स्क्रिप्चर देखना है विच स्पीक्स अबाउट, फर्स्ट लेट्स स्पीक अबाउट द 144,000 Jews, जिसको भी मिलता है प्लीज पढ़िए। हाँ एंड हाँ, तो हमने फूलिश वर्जन्स देखे हैं वो चुनावी है, हमने वाइज वर्जन देखे हैं जो मूर्ख को आ गया वो भी चुनावी है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक दावत दिया जाता है और जिसको निकाल के बाहर डाला जाता है वो भी चुनावी था या है, लेकिन उसको अपना जिंदगी या जो उसको रोल दिया गया है उसे वो निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम उसमें था, उसने वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र राइचियसनेस का, राइट। तो अभी हम रेवलेशन में देखते हैं जो यहूदी घराने के लोग हैं वे भी चुनावी है, जो हम हमारे नबियों को देखते हैं अब्राहम ईसा याकूब मूसा, हमारे जो बाकी के जो संदिष्टा लोग थे लूथर ब्रदर ब्रैनम, ये सब चुनावी है, राइट। और जैसे समय रैप्चर हुआ तो रैप्चर के बाद भी चुने हुए लोग हैं, हम देखते हैं सी ऑफ क्लास 144,000 का पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिन पर उम्र दी गई मैंने उसकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मुहर दी गई। Yes, brother. And this is 4. This is 5 now. यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दिया गई। रूबेन के वैसे गोत्र को आता है। नहीं सब मैं पढ़ी ठीक है। तो बी सी के देवर सीड हमने वहाँ पर भी रेवलेशन में देखते हैं कि जब वो चार जो विंड है, विंड को क्या बोलते हैं, जब वायु को छोड़ने के पहले वो क्या बोलता है परमेश्वर, एंजल क्या बोलते हैं, दूत आके क्या बोलते हैं, हमको पहला सील मारना है सबको, वे लोग भी चुने हुए हैं याद रखिए। लेकिन हमें समझना कि हमको कौन सी कैटेगरी में पढ़ना है, तो अगर हम चुने हुए डेफिनेटली हम सब चुने हुए हैं, बट क्या हम चुने हुए हैं रैप्चर जाने के लिए, क्या हम चुने हुए मूर्ख वाले बनने के लिए, क्या हम चुने अपना जो जो मिलेनियम के टाइम पे रहने वाले वहाँ पे भी चुने हुए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को तो गॉस्पल नहीं भी पता होगा शायद, लेकिन अपने कॉन्शियंस के हिसाब से वो लोग बचाएंगे बहुत सारे बिलीवर्स को। दो चीज़ पे मैं फोकस करूँ लास्ट में, जोएल नबी 3:15 मैथ्यू 4:24-29 रेवलेशन 6:12 एंड मैथ्यू 22:9-14 Matthew 22:9-14 पढ़ूंगा। Then the Pharisees 24:15-25 Matthew 24:15 पढ़ेंगे। When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, then let them which be in Judah flee unto the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child and to them that give suck in those days, but pray that your flight be not in winter, neither on the Sabbath, for then shall the great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. And expect though, except those days should be shortened, there should be no flesh saved, but for the elect's sake those days were shortened. Now please read the scriptures, Joel 3:15 for you. The sun and moon will grow dark and the stars will diminish their brightness. That's it. So this speaks about the millennium time. That is, this is the post-rapture issues, what is going on. Matthew 24:29.
हिंदी इंग्लिश कोई भी चलेगा। 24 का 29 एनीबडी लिटिल लाउडर। उन दिनों के प्लेस के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाना जाता रहेगा। आ, बस बस दे दे बस रेवलेशन 6:12 उनके बीच में तीनों शास्त्र के जो अध्याय में ये लिखा है कि सूरज अपना रोशनी देना बंद कर देगा या फिर वो अंधकार हो जाएगा और जो चंद्रमा है कहीं एक जगह पे लिखा कि वो लाल होगी और कहीं पे वो वापस काला होगा या वो रोशनी देना बंद हो जाएगा। अभी क्या हम देखते हैं कि आज के इस युग में जितने भी जो मसीह के बाहर है मसीह विश्वास के बाहर है सभी लोग सूर्य की ही पूजा करते हैं, सभी लोग चंद्रमा की ही पूजा करते हैं। हमने देखा ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ दिखा के ये करके वो करके सूरज और चांद का ही पूजा किया जाता है आज के काल में। और यही चीज़ है ये मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर ये चीज़ के बारे में बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ तो जो रिलीजियस वर्ल्ड है जो धार्मिक जो वर्ल्ड है उसको दर्शाता है कि ये लोग अपना जो इनका जो एक रुतबा है इनका जो होल्ड है एक इनका डिक्टेटरशिप है ये पूरा नाश होने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि वो जो बीस्ट है जो वो पशु है राइट वो पशु है वो भी 13th में वो क्या होता है खलास हो जाता है पशु रेवलेशन में वो बाद में देखते हैं कि उसको मार दिया जाता है यानी जो धर्म का जो प्रतीक होता है उसको मार दिया जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने एक स्क्रिप्चर पढ़ा था कि एबोमिनेशन जब एबोमिनेशन चालू होगा जब अच्छे को बुरा बुरा को अच्छा जब इसराइल के जो मंदिर बांधा जाएगा वहाँ पे पूरा जो मेन बलि और दूसरी चीज़ें हैं यानी जो साइरस के टाइम पे हम देखते हैं सुअर को काट के उन्होंने डाल दिया था मंदिर के अंदर जो बहुत ही गलत चीज़ है ये सब चीज़ें चालू होगी। तो ये तो एक लॉ के हिसाब से गलत है लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो गलत चीज़ होगा और वो उस समय में ऐसे होगा कि वहाँ पे वचन तो होगा ही नहीं कहीं लेकिन परमेश्वर का फिर भी चुनाए हुए लोग हैं वहाँ पर। हम देखते परमेश्वर अपने चुने लोगों को वो सुरक्षा करता है और उसने पहले ही बताया कि तभी क्या करना है तुमको अगर तुमको पहाड़ों में जाना है पहाड़ों में जाके रहो अगर तुम खेत से आते तो रिटर्न मत जाना। उसने वहां पे क्लियरली लिखा है कि व्हेन यू सी दिस डू नॉट गो ऑन द रूफ टॉप नीदर लेट हिम विच इज इन द फील्ड रिटर्न बैक Go unto them that with the child and to them which give a suck in those days and pray that it is the flight is not in winter. So, यहाँ पर भी चुने हुए लोग हैं। तो भाई बहन हमें हम सब चुने हुए लेकिन हम कहाँ पे हम कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं हमें ये वचन से देखना है समझना है क्योंकि परमेश्वर ने तो बोला है कि जो एवरलास्टिंग लाइफ है अनंत जीवन वो तो उसने दिया ही है जिसने विश्वास के उसको दिया ही है लेकिन विश्वास जब हम करते हैं उसके आगे भी कुछ और है जैसे हम टैलेंट्स का देखते हैं उसको हमको मल्टीप्लाई करना है जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया उसको हमें और बढ़ाना है। हम गाते हैं ना हमें हम एक सेवका की मिनिस्ट्री दी है तो वी हैव टू सी जो भी बेस्ट है अगर हम यहाँ से ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं एक दो जगह को शेयर करते हैं ओके सुना ठीक है नहीं भी सुना ठीक है लेकिन क्या पता शायद कभी किसी को कुछ लग जाए वो उसे एक प्रोत्साहित हो कि भाई मैं बाइबल पढ़ूं और शायद अगर उसका मन भी थोड़ा सा बदल गया तो परमेश्वर के राज्य में तो आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया है। सो दिस इज द मेन मैसेज कि वी ऑल आर चोजन बट वेयर डू वी फॉल इन दैट चोजन कैटेगरी कहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रिब्यूशन सेंट्स हैं हम या मीडियम सेंट्स हैं या डू डज दिस स्क्रिप्चर अप्लाई टू अस या हमारे बच्चों को जब डेसोलेशन के टाइम पे आएगा उस वहाँ पे तो हालत बहुत खराब होगी क्या हम मृत कुआरी है क्या हम बुद्धिमान है हम क्या है ये हमें देखना है। सो दिस वॉज द ओनली स्मॉल थिंग विच आई वांट टू एक्सप्रेस माई थॉट्स ऑन दिस एंड आई वुड लाइक टू ज
just close the message here. So remember the one thing. When we say we have eternal life, we have the privilege. We shouldn't be selfish. ये मत नहीं सोचना कि हम चुने हुए हैं तो हम सेल्फिश हो नहीं स्वार्थी सेल्फ स्वार्थी ना हो वी हैव टू बी सेल्फलेस जो आपने हमें गिफ्ट मिला लेट्स शेयर लिटिल बिट विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी बिकॉज मे बी गॉड वर्क्स इन दिस वे गॉड वर्क्स डेफिनेटली इन दिस वे एंड वी मेक यूज ऑफ आवर टैलेंट्स सो वी विल स्टैंड फॉर द फाइनल प्रेयर I think maybe Secret Sister wants to speak something. Thanks a lot. Last Saturday, I was very much uncomfortable the morning. I asked the Lord what it is. I got the news in the morning, Sister Rati is not gone. But I know that she is in a wonderful place with the Lord. Then Monday, my brother, as I go, gives me a news that Sami is not feeling well and I don't think she will live. My heart was really broken. I did not know. I did not know what to be done. So he asked me where is the funeral. She has shown you the funeral site. I said yes, she showed me. But I did not show him. See, this is the way that I am well at home. Don't have to worry. The Lord will take care. Then I contacted brother and I told her she is a very faithful woman, she is good for the word of God, she never compromised for anything. And today if I am in the faith because of her, I said don't worry sister, I am crying yesterday brother, we went also because I was worried he was not here. And suppose she dies, what a funeral matters, I was very worried. In Baleda until I cried, but I couldn't get in. Then I just messaged her, good morning. He said, Auntie, you don't worry. Auntie talks every day in the morning and back. So that will talk to me. So he called me up. I said, she's saying that I want to die. I don't want to live. So I said, you cannot speak of death like that. God, what you mean is about saving the souls. And he will take you away in a very good way, in a peaceful way. So Brother Bali, my uncle showed me, speak to an Isaiah 26, 3 and 4, and say, let the will of the Lord be done. Lord, take me in peace. So she was, 2 days she was telling me, what you put for me? Then I looked for her food, whatever I put. She ate, but yesterday she did not eat. Then Brother Uncle Balero, he called Vijay and said, Vijay, just go home. Money is a bit extra. You go home, meet with Sister Bali, and then you go up. So he was there with us for 1 hour, then we went up, we prayed over her, and he was there till 8 o'clock. Then I said, see, everybody loves you, all are coming to see you, sister of this came, Brother Russell and Lena came. All are coming, I said, but the liberty is not there. I told them to pray. They are all praying for you, honey, you just have to stand still in the world. Don't ask for them. Nobody can pray for you for the dead, but we can pray you to live. I know you are suffering too much, we can't heal. So then Sister Vandana said, just give me this Vandana news to you all. And also, just go on living on Devil and Sugar. She is not eating, no problem with her mother also suffering the same way. So anybody wants to pray for her, anybody wants to see her, please do come and pray for her. Because she is a wonderful soul. If she is, so much she has saved many souls, today if I am here standing and I will have saved faith, it is only because of her. And I think I always work for her life. Whatever you will do, you will do the best for her. I think to worry, I have left her fear. I said, Lord, it is dying and that will be done. Take her peacefully if you have to take her. That is only my will and God is in my will, my uncle will be my will. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज मैं कुछ गवाही के साथ कुछ वचन लेके मैं शेयरिंग करने वाला था। जो ब्रदर जो कुछ बातें बताए वचन से मैथ्यू से, उसमें तालमेल था, लेकिन मैं हमेशा टाइम का ये करता हूँ, टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीक में मैं गवाही के साथ कुछ वचन को मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ। वो 19:20 बोलते हैं ना, तालमेल उसके साथ होता है, वो परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है। वो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करते हैं, और एक गीत के द्वारा फिर हम लोग परमेश्वर को इस सभा को समाप्त करते हैं। ब्रदर चॉइस आइए, हम सब खड़ा हो जाएंगे और सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ब्रदर प्रार्थना कीजिए, ब्रदर प्रार्थना करके फिर एक गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ब्रदर रसल ब्रदर ट्रिप्री हालेलुया। Blessed be your name, O Lord God. Yes. Thank you, Lord. Blessed be your name. We praise you, God. We thank you, yes. Lord, for you are maker, Lord. You are the one who has put breath in our life. Jesus. We see, Father, everyone has prospered so much, Lord. Medical systems have prospered, but no one can give life. Jesus. The things which you have preserved and kept is only from Jesus, the birth and the death of our Lord. And we thank you, God, for that. For a person is born and a person dies only in your knowledge of God. As we see, Lord, all the things happening in this world, Lord, we feel privileged and we are grateful and thankful to you, Lord. For you have separated us, Lord, from all the filth of this world. You have given us an understanding of God, a clear image, Lord, to see, Lord, the truth, to know the truth, to understand the truth, from where we come and from to where we are going, Lord. God and Master, you have always been sincere and faithful to us, O God. It is we, Lord, who lack that understanding, Lord. But nevertheless, Lord, as the Psalm 62 said to you, O Lord, we look upon to you, O Lord, a place, a rock, O Father, which is quite high, O Lord. For we know that is the only place, Lord, where when we stand, Lord, we shall be safe, we shall be sound. God and Master, we also remember, Lord, our pastor and all the ministers, O Lord, in our faith. We pray for their ministry, Lord, as you have appointed them, Lord. Bless them, Lord, in their health. Bless them in whatever they need, O God. For they are doing a wonderful work, Lord. We also pray, Lord, for the members of our assembly, O Father, who are present here today, Lord, who couldn't make it, Lord. Those who are not well, we pray for them, Father, in a special way. That Thou, Father, enrich and strengthen them, O Lord, that they may be present here next Sunday, O Father. With a testimony. They may come and rejoice in thy name, O Lord. We also pray to those, O Father, who are not being coming for whatever reasons, Lord, they understand or they have. That thou change their heart, O Father. For we believe, we see, Lord, from the scriptures, there are chosen people everywhere, Lord, but we do not understand because of lack of our knowledge. Because we lack that spirit, O Father. We walk according to our own knowledge, Lord, but we see there are so many chosen people, Lord, in and around us. Give us that wisdom and understanding, Lord, to understand who are our brethren, Lord, and so that we can share and get them, Lord, the truth, Word. We also pray, Lord, as you have blessed each and every member, Lord, who are present here, the talents you have given them, O Lord, that we pray that send them a spirit, Lord, where they use those talents, Lord, for your kingdom and for your glory, O Father. We bless, Lord, and we thank you, Lord, for your glorious name. For in your name there is everything, O Lord. There is power, there is might, Lord. There is healing, Lord, in your name, Father. We pray and ask all in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. I am King number 5, Panchu number ke geet ko gayenge.
ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसको हम कितना भी धन्य कहो कम है। क्योंकि अगर आज तक हम जीवित है तो उसकी कृपा और उसकी अनुग्रह है। आमेन। और जो कुछ भी अगर मुझ में है वो उसकी कृपा और उसके अनुग्रह है। आमेन। सब लोग मिलके गाएंगे ये मेरे मन। Yehovah ka kutum
आइए हम अपने सर को झुकाए. Now to him that is able to keep us from falling, to the only wise God our Savior, to him be glory, majesty, dominion, power and praise, both now and forever. Amen. Praise the Lord. God bless you all. May the Lord be with you all.